इतिहास में कई ऐसी स्ट्रांग वुमेन के बारे में सुने होंगे जिन्होंने मैन की जगह रहकर अपनी लड़ाई खुद लड़ी। ऐसे ही एक आदमी के जूते में रहकर करीब 45 इयर्स तक आदमी का जीवन बिताने वाली महिला रही इजिप्ट की सीसा, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाकर अपने फैमिली के लिए रोटी कमाने के लिए एक आदमी का रूप अपनाई। सीसा सिर्फ 22 इयर्स की थी जब उसने अपने पति को खो दिया और वह तब 6 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक महिला होने की समस्या ने उसे हमेशा परेशान किया और उसने कुछ कठिन कामों के लिए खुद को एक मेल के रूप में बदल लिया, क्योंकि उनके सोसाइटी में सिर्फ मेल्स ही हार्डवर्क कर पैसे कमा सकते हैं। बेटी को जन्म देने के बाद उसको खिलाने और अपने सर्वाइवल के बारे में सोचकर सीसा ने लाइफस्टाइल, वेयरिंग स्टाइल और आवाज़ भी बदलकर आदमी बन गई और अभी भी करीब 4 डिकेड्स के बाद भी कड़ी मेहनत करने में सभी को पछाड़ रही है। दरअसल 16 इयर्स की छोटी उम्र में ही सीसा की शादी हो गई थी। जब उसका पति मर गया तो सीसा ने अपनी बेटी को जन्म दिया और दोबारा शादी नहीं करने का डिसीजन लेकर अकेले अपनी बेटी की देखभाल करने के उसके दृढ़ संकल्प ने उसे बाहर से एक पुरुष बना दिया। सीसा ने अपने लाइफ पर कंट्रोल कर लिया और ब्रिक्स बनाने और ले जाने और फसल काटने और मंदिर के पास जूते चमकाने आदि काम करने लगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि सीसा की बेटी भी उसको पिता समझती थी और वैसा ही बुलाती थी। कई लोगों ने उसको डराने और धमकाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अपनी और अपनी बेटी की लाइफ पर पूरा ध्यान रखने से सीसा को कोई भी नहीं रोक पाया। एक अनएजुकेटेड माँ होने के नाते सीसा ने अपनी बेटी हादा को पढ़ाया जब तक कि वह उसके एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकती थी। आज वह 8 मेंबर्स की फैमिली में अकेली काम करने वाली है। इजिप्ट के आरटीडी रिपोर्ट्स कलेक्शन के दौरान सीसा की लाइफ सामने आई और मीडिया ने इनके जीवन पर प्रकाश डाला। 50 इयर्स के लंबे संघर्ष के बाद सीसा की असली पहचान सामने आई और लक्सर के एक स्थानीय आरटी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसमें सीसा को एक अविश्वसनीय सोल्जर के रूप में वर्णित किया गया। सीसा कहती है कि आज उसको सभी सम्मान करते हैं, लेकिन 10 साल पहले कोई उसका सम्मान तो छोड़ो बात भी नहीं करते थे। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.